क्या आप भी अपना खाना एल्युमिनियम फॉइल में रैप करते हैं? क्या आप भी अपनी गरम गरम चपातियाँ बनते ही एल्युमिनियम फॉइल में रैप कर देते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए है। जी हाँ फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टाइलिंग लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एल्युमिनियम फॉइल के बारे में। एल्युमिनियम फॉइल आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ रहा है, बट हमें उसका यूज़ इतना नहीं करना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं हर कोई अपना खाना एल्युमिनियम फॉइल में रैप करता है। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले तक मैं भी अपना खाना एल्युमिनियम फॉइल में ही रैप करती थी, बट जब से मुझे पता चला है कि एल्युमिनियम फॉइल में खाना रैप करना कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, तब से मैंने उसमें खाना रैप करना बंद कर दिया है। अगर आपको अपनी रोटियाँ रैप करनी है, ऑफिस लेके जाना है या स्कूल लेके जाना है, बच्चों को स्कूल में खाना देना है, तो आप कोशिश कीजिए सूती कपड़ा या फिर मसलिन क्लॉथ, पतले से पतला कॉटन क्लॉथ या फिर आप मसलिन क्लॉथ लीजिए और उसमें बच्चों की रोटियां या फिर ऑफिस जाने वाले लोगों को अगर आप खाना पैक करके देते हैं तो आप उसमें पैक करके दीजिए, जो कि सबसे ज्यादा सेफर चीज है। क्योंकि जब आप गरम गरम खाना एल्युमिनियम फॉइल में रैप कर देते हैं या गरम चपाती आप एल्युमिनियम फॉइल में रैप कर देते हैं, तो उसे वो रिएक्ट करती हैं एल्युमिनियम के साथ और एल्युमिनियम कंटेंट उस खाने में चला जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। और ख़ास तौर से अगर फिर भी आपको एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ करना है, तो मेक श्योर जब आपकी खाना बन जाए या आपकी चपाती बन जाए, तो जब तक वो ठंडी ना हो जाए, रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए, तब तक आप उसको एल्युमिनियम फॉइल में रैप ना करें। और फिर भी अगर आप उसको ठंडा होने के बाद भी एल्युमिनियम फॉइल में रैप करते हैं, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा टाइम तक उसको एल्युमिनियम फॉइल में ना रखें। और ख़ास तौर से एल्युमिनियम फॉइल में अगर आप सब्जी पैक करते हैं, तो सब्जी में आप ये ध्यान रखें जो भी खट्टी चीज़ें हैं, खट्टे फल हैं, जैसे केचप हो गया, अचार हो गया, पिकल्स हो गए, टैमरिंड हो गया, या ये खट्टी चीज़ें जो कि किसी सब्जी में, किसी खाने में अगर आपने डालकर बनाई हैं, तो वो सब्जी भी एल्युमिनियम फॉइल में पैक ना करें। क्योंकि जो ये खट्टी चीज़ें होती हैं वो सबसे जल्दी रिएक्ट करती हैं एल्युमिनियम के साथ, और एल्युमिनियम कंटेंट जैसे कि मैंने आपको बताया उस सब्जी में चला जाता है, उस खाने में चला जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो वैसे तो कोशिश कीजिए आप एल्युमिनियम फॉइल को बिल्कुल बंद ही कर दीजिए यूज़ करना, सबसे बेस्ट वे है कपड़ा यूज़ करना। आप क्लॉथ यूज़ कीजिए, मसलिन क्लॉथ या फिर पतला सूती कपड़ा यूज़ कीजिए। और इनफैक्ट मुझे ये जानकर काफ़ी खुशी हुई, आजकल कुछ स्कूल्स में ये सर्कुलर दिया गया है कि बच्चे जो अपना खाना लेकर आएंगे और जो अपनी चपाती लेकर आएंगे, उनको एल्युमिनियम फॉइल बिल्कुल नहीं लाना है, उनको मसलिन क्लॉथ में पैक करके लाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए, कॉमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।